अक्षय कुमार ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस लक्ष्मी बॉम्ब के दौरान का। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं उषुल का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अक्षय कुमार जो है वो लक्ष्मी बॉम्ब में एक किन्नर का कैरेक्टर कर रहे हैं, और ट्रांसजेंडर कैरेक्टर करने के लिए एक स्ट्रेट आदमी को बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अब जब मनीष पॉल ने हाल ही में अक्षय कुमार से ये पूछा था कि आखिर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उस पर अक्षय कुमार कहते हैं कि पहले जब मैंने शूटिंग करना स्टार्ट किया तब मेरी साड़ी बार बार खुलती थी और मुझे बहुत ऐसे ऑकवर्ड सा फील होता था। ऑब्वियसली अगर किसी आदमी को आप एकदम साड़ी पहना देंगे तो थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल हो ही जाता है। बट मैं आपको ये भी बता दूँ कि अक्षय कुमार ने ये भी कहा कि साड़ी एकदम ग्रेसफुल पहनावा है और थोड़े दिनों के बाद मैं उससे यूज्ड टू हो गया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को और कॉस्ट्यूम की मेरी जो टीम है उन सभी का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो बार बार आ करके मेरी प्लेट्स ठीक करते थे, मेरा पल्लू ठीक करते थे। और ख़ास करके मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे डायरेक्टर का, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये समझ के लिया कि मेरी जो मानसिकता है वो भी डेवलप करने के लिए थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से इस किरदार को निभाने के लिए सपोर्ट किया है और संभाल के लिया है। तो ये कहना है खिलाड़ी कुमार का उनके एक्सपीरियंस पर अब देखना ये है कि आखिर उन्होंने कैसे कैरी किया है अपने आप को साड़ी में। वैसे तो ट्रेलर में से हमें सबको झलक तो मिल ही गई है, पर आखिर फाइनली वो कैसे दिख रहा है, कैसे उन्होंने अपने आप को कैरी किया है, वो तो हम देखने के लिए उत्सुक हैं। क्या आप उत्सुक हैं अक्षय कुमार के इस एक्सपीरियंस को देखने के लिए और समझने के लिए? बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। और आप कितने एक्साइटेड हैं लक्ष्मी बॉम्ब इस मूवी के लिए, ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा।